नागपुर में शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर मार्च किया तो पुलिस ने रोका। विवाद जब बढ़ गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तस्वीरें नागपुर की, शरद पवार की एनसीपी के कार्यकर्ता और पुलिस सामने सामने। शरद पवार गुट की ओर से अगुवाई कर रहे हैं उनके पोते रोहित पवार। एनसीपी कार्यकर्ताओं का हुजूम विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीतकालीन सत्र की वजह से पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में रोक दिया। एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर नाराजगी जाहिर की और बैरिकेडिंग तोड़ दी। फिर पुलिस ने एनसीपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। बात बढ़ती गई, बवाल बढ़ता गया। रोहित पवार वही बीच सड़क भरने पर बैठ और शिंदे सरकार पर जमकर निशाना साधा। एनसीपी के कार्यकर्ता विधानसभा की ओर जाने के लिए अड़े रहे। बाद में पुलिस ने रोहित पवार और दूसरे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आंदोलन जो है यहाँ पे समाप्त हुआ है, अभी शांतता है, लेकिन मोर्चा के सीनियर नेता जाने के बाद उसमें से कई लोगों ने विधान भवन पर धड़क देने की उन्होंने अपना इरादा जताया और वो उनको डेलीगेशन भेजना नहीं था। उन्होंने कहा कि हम डेलीगेशन भेजेंगे, उसके जगह पे वो विधान भवन में धड़क करेंगे, जो हम अलाउ नहीं कर सकते। इसके लिए उनको हिरासत में लिया गया, डिटेंशन सेंटर भेजा गया। नागपुर में अधिवेशन चल रहा है जिसके दौरान एमएलए रोहित पवार ने जो युवा संघर्ष मोर्चा निकाला था उसका खात्मा जीरो माइल्स नागपुर पर होना था, जिसमें शरद पवार भी शामिल हुए। मोर्चे के बाद रोहित पवार ने कहा कि जो जो डिमांड्स उनकी की गई है और जो मोर्चे से जो डिमांड्स लोगों की निकल कर आई है वो यहां पर सरकार का कोई मंत्री आकर सुने। जिसके बाद जब सरकार से कोई नहीं आया तो मोर्चा विधान भवन की तरफ जाने के लिए निकला। यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस का बड़ा बंदोबस्त, ये आप देख सकते हैं कि कई लोग जो है इस वक्त डिटेन किए गए। रोहित पवार को भी डिटेन किया गया पुलिस की तरफ से, क्योंकि वो विधान भवन एक मोर्चा लेके जाना चाह रहे थे और सेशन के टाइम पे ऐसा अलाउड नहीं किया जाता है। और यही आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष और सरकार के बीच में एक बार फिर से इन मांगों को लेकर संघर्ष देखने को मिला। दरअसल महाराष्ट्र में करीब 800 किलोमीटर की यात्रा के बाद आज युवा संघर्ष यात्रा का समापन था। नागपुर में जीरो माइल चौक के पास कार्यकर्ताओं का विशाल हुजूम मौजूद था। कार्यक्रम में शरद पवार भी शामिल हुए और कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह भी पहुंचे। आज इस देश में जो हालात चल रहे हैं आप सब देख रहे हैं, वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। अंग्रेजों ने फूट डालकर राज करने की नीति अपनाई थी, लेकिन अंग्रेज चले गए और पीछे भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को छोड़ गए, और जो आज वही राजनीति से देश में राज कर रहे हैं। हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाता है, धर्म को आधार मानकर लोगों में नफरत पैदा की जाती है। उधर रोहित पवार की युवा यात्रा को अजित पवार को ड्रामा बता रहा है। जिस तरीके की नौटंकी युवा संघर्ष यात्रा के द्वारा रोहित पवार ने चलाई है वो खुद पवार साहब को भी मान्य नहीं। अगर पवार साहब को वो नौटंकी मान्य होती या फिर पार्टी से पार्टी को बढ़ाने के लिए रोहित पवार की यात्रा रहती तो रोहित पवार के पूरे संघर्ष यात्रा में राष्ट्रवादी के कहीं ध्वज दिखते आपको, या फिर कहीं मफलर दिखते, या राष्ट्रवादी के कोई वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होने का पूरा चांसेस रहता, लेकिन उसमें कोई शरीक नहीं हुए। नागपुर में चल रहे विधानसभा के सत्र के दौरान शिंदे सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। किसानों और मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने पहले से ही मोर्चा खोल रखा था और अब रोहित पवार के युवा संघर्ष मोर्चे की मोर्चाबंदी नई चुनौती। योगेश पांडे के साथ मुस्तफा शेख, नागपुर आज तक।